रमज़ान मुबारक में चार रकात नमाज जो कज़ाए उम्री की नियत से पढ़ी जाती है, इसके पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करेंगे, क्या कुछ पढ़ा जाएगा? अगर आपकी बहुत सारी कज़ा नमाज़ें हैं तो आप ये चार रकात नमाज पढ़ लें तो आपकी तमाम उम्र की कज़ा नमाज़ें उनका कफ़ारा हो जाएगा। ये मेरी स्क्रीन पर आप पोस्ट इस वक्त देख सकते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल है। मैं यहाँ पर पढ़ भी देता हूँ क्या लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट में लिखा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, जिस शख्स की नमाज़ें कज़ा हुई हों और तादाद मालूम ना हो, यानी इतनी नमाज़ें कज़ा हो गई कि उसे तादाद ही मालूम नहीं, तो वो रमज़ान के आखिरी जुमा के दिन चार नफिल एक सलाम के साथ पढ़े, यानी चार रकात नफिल एक सलाम के साथ, दो दो रकात नहीं, चार रकात एक सलाम के साथ पढ़े, रमज़ान के आखिरी जुमा जिसे जुमातुल विदा भी कहते हैं। हर नमाज में यानी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी सात बार पढ़े, यानी पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आयतुल कुर्सी सात बार पढ़े और उसके बाद सूरह कौसर 15 बार पढ़े, इन्ना अतैना कल कौसर, ये जो सूरत है ये 15 बार हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 बार आयतुल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। आगे लिखा है, अगर 700 साल की नमाजें भी कज़ा हुई हों तो उसके लिए उसके कफ़ारे के लिए ये नमाज काफ़ी है, यानी आपकी 700 साल की नमाजें उनका ये चार रकात नमाज जो है ये कफ़ारा हो जाएगी, आपको वो नमाज़ें अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा है, ये कीमती तोहफ़ा रमज़ान के आखिरी जुमा से पहले पहले तमाम मुसलमानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, सदका जारिया की नियत से शेयर करें, जज़ाकल्लाह। ये पोस्ट आपने पढ़ ली, याद रखिएगा इस तरह की कोई हदीस कुतुब अहादीस में मौजूद नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है बल्कि झूठी हदीस है, ये मनगढ़ंत हदीस है। इसे सवाब समझकर अगर आप शेयर करते हैं तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो नमाज आपकी कज़ा हुई है उसकी कज़ा आपके ऊपर लाजिम है, जब तक आप उस फ़र्ज की कज़ा नहीं करेंगे आप उस फ़र्ज से बरी व ज़िम्मा नहीं हो सकते, ठीक है। उसकी कज़ा भी लाजिम है और जानबूझकर अगर कोई नमाज कज़ा की है तो तौबा भी लाजिम है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस तरह की पोस्टों की तरफ तवज्जो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हर साल इस तरह का इस पोस्ट का जो है ट्रेंड चलाया जाता है और मुसलमान ये नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। याद रखिएगा इस तरह की नमाज़ पढ़ने वाला शख्स गुनाहगार है जो ये समझकर पढ़ता है कि ये नमाज़ पढ़ने से हमारी नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी, बस फिर सारा साल इंसान जो है वो सोया रहे, अय्याशी करे, रमज़ान में ये चार रकअत पढ़कर तमाम फ़र्ज़ से बरी ज़िम्मा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, झूठी है हदीस। इस तरह की कोई हदीस कुतुब अहादीस में मौजूद नहीं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान लोग शेयर करें ताकि वो इस गलत फहमी से निकलें और जो लोग ये नमाज़ पढ़ते हैं उन्हें इस बारे में इल्म हो कि इस तरह की कोई हदीस मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए।